हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान। मैं हूं आनंद और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्प्लिट स्क्रीन इन विंडो 10 अप टू 4 विंडोज। मल्टीटास्किंग या स्प्लिट स्क्रीन ये क्या होता है? जैसे कि हम लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। लाइक कि हम लोग कभी गूगल क्रोम एंड व्हाट्सएप दोनों एक साथ ओपन करते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं, उसी तरह से आप अपने पीसी में भी बहुत सारे विंडोज़ को अप टू 4 विंडोज़ तक एक साथ आप काम कर सकते हैं। वो आपके डिस्प्ले पे एक साथ चारों विंडोज़ ओपन होगा और चारों विंडोज़ पे आप कोई भी काम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ तक कि विंडोज़ के वर्जन का बात है तो विंडोज 7 में आप अप टू 2 विंडोज़ पे एक साथ काम कर सकते हैं, विंडोज़ 8 में भी अप टू 2 विंडोज़ तक एक साथ काम कर सकते हैं, और विंडोज़ 10 में ये फंक्शन मल्टीटास्किंग फीचर्स का फंक्शन आपको अप टू 4 विंडोज़ तक मिलता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग ये मल्टीटास्किंग फीचर्स एक्सेस करते हैं। तो मैं पहले आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करके दिखलाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि गूगल क्रोम को एक साइड और एक साइड कोई भी ले लेता हूँ, एमएस वर्ड को ही एक साइड। कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग स्क्रीन को, चलिए देखते हैं। ऐसे गूगल क्रोम में आप जाइए, इसका जो टॉप पैनल है उस टॉप पैनल पे कर्सर रखिए और इस पे लेफ्ट क्लिक करके आप इसको जिस सेक्शन में ले जाना चाहते हैं, अगर आप इसको राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं तो राइट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड ले जाइए। और इसको ये अगर मैं राइट साइड ले जाना चाहता हूँ, राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो राइट एज की तरफ इसको ले जाएंगे। जब मैं राइट एज की तरफ ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक हाइलाइटेड सेक्शन आ रहा है। जब ये हाइलाइटेड सेक्शन शो होगा तो मैं इसे रिलीज़ कर दूँगा। इसे यहाँ पे मैं रिलीज़ कर देता हूँ। जैसे मैं रिलीज़ करूँगा तो ये गूगल क्रोम मेरा अभी राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। बाकी का जो मेरा एप्लीकेशन ओपन है वो लेफ्ट साइड में ओपन करने का ऑप्शन मुझे आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से किसी को भी क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, बट आपको मैं दिखलाना चाहता हूँ कि सपोज डैट एमएस वर्ड है, मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ अपने लेफ्ट साइड में। तो इसमें क्या करूँगा, मैं इसके टॉप पैनल पर जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करना है और इसको लेफ्ट सेक्शन की तरफ, लेफ्ट एज की तरफ इसे अंदर ले जाना है। जैसे आप लेफ्ट एज की तरफ अंदर ले जाएंगे आपको फिर एक हाइलाइटेड सेक्शन मिलेगा बैकग्राउंड में डेस्कटॉप पे। वहाँ जैसे ही आपको बैकग्राउंड सेक्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा इसे नीचे करके ले जा रहा हूँ, तो ये देखिए आप एक सेक्शन देख रहे होंगे, हाइलाइटेड सेक्शन। जैसे ये सेक्शन दिखेगा आप इसे रिलीज़ कर दीजिए। अब ये क्या है कि आपका स्क्रीन स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में। मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ अप टू 4 पार्ट में अपने स्क्रीन को डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं यूँ कहिए कि मैं अप टू 4 विंडोज़ तक अपने स्क्रीन पे एक साथ देख सकता हूँ, उस पर काम कर सकता हूँ। तो ये मैंने अभी आपको दिखलाया 2 विंडोज़ को एक साथ ओपन करके। अब मैं अगर कोई तीसरा विंडोज़ ओपन करना चाहता हूँ, लाइक कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना चाहता हूँ, तो ये लाइक कि मैं पहले इसे ओपन कर दिया फाइल एक्सप्लोरर। अब ये तीसरा विंडोज़ मैं कहीं पे भी सपोज़ डैट कि इस सेक्शन पे ले जाना चाह रहा हूँ, अब एक बार मैं इसे मिनिमाइज़ करके दिखला दूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट के ऊपर मेरा वर्ड रहे और इसके नीचे ये वाला जो सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन पे वो हमारा फाइल एक्सप्लोरर रहे। तो मैं फाइल एक्सप्लोरर के टॉप पैनल पे जाऊंगा, यहाँ कर्सर रखूंगा, इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसे डाउनवर्ड एंड लेफ्ट कॉर्नर पे मैं ड्रैग करूंगा। जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ आप भी देख सकते हैं एक हाइलाइटेड पोर्शन, जो हाइलाइटेड सेक्शन आ रहा है ना, रिलीज़ कर दीजिए। आपने इसे रिलीज़ कर दिया, अब ये सेक्शन आपका लेफ्ट डाउनवर्ड में शिफ्ट हो गया है। बट विंडोज़ 10 अप टू 4 विंडोज़ तक सपोर्ट करता है। सपोज डैट कि मैं VLC मीडिया प्लेयर ओपन करना चाहता हूँ,
तो जैसे कि मैंने इसको फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन किया, इसके ठीक पैरेलल मैं यहाँ पे वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं मीडिया प्लेयर को ओपन किया, इसके टॉप सेक्शन पे ले गया और इसको मैं राइट एंड डाउनवर्ड कॉर्नर में ले जाके रिलीज कर दूंगा। जैसे मैं इसको राइट एंड डाउनवर्ड कॉर्नर में ले गया तो यहाँ पे फिर मुझे एक हाईलाइटेड सेक्शन मिला। जैसे ये हाईलाइटेड सेक्शन मिलेगा मैं इसे रिलीज़ कर दूंगा। इसको रिलीज़ करने के बाद ऊपर में भी मुझे ऑप्शन आ रहा है, गूगल क्रोम मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, गूगल क्रोम पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं मल्टीपल काम विंडोज़ 10 में कर सकता हूँ। इस तरह से आप विंडोज़ 10 में ये मल्टीटास्किंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और अप टू 4 विंडोज़ आप इसमें एक साथ प्ले कर सकते हैं, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कीबोर्ड का यूज़ करके भी आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि मैं ये गूगल क्रोम है, इस गूगल क्रोम को मुझे लेफ्ट सेक्शन में शिफ्ट करना है, स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके टॉप पैनल पे एक बार क्लिक कर दूँगा, उसके बाद विंडोज़ का की और लेफ्ट साइड करना है मुझे, तो लेफ्ट साइड वाला एरो की मैं प्रेस कर दूंगा। जैसे ही लेफ्ट साइड का एरो की प्रेस करूंगा ये शिफ्ट होकर के लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे हम लोग माउस का यूज़ करके करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है कि आप सेकंड विंडोज़ में कौन सा विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप क्लिक करके नहीं ओपन करना चाहते हैं, कोई दूसरा विंडोज़ ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसको ओपन कर लीजिए, इसके टॉप पैनल पे एक बार क्लिक कर दीजिए और इसको आप अगर राइट साइड में क्लिक करना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरा क्रोम खुला हुआ है, तो फिर विंडोज़ एंड राइट एरो प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप विंडोज़ राइट एरो प्रेस करेंगे ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कीबोर्ड का यूज़ करके भी स्प्लिट स्क्रीन का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं आप विंडोज़ के सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में ये मल्टीटास्किंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप विंडोज़ के सर्च बार में जाइए, यहाँ मल्टीटास्किंग टाइप कीजिएगा, मल्टीटास्किंग, तो यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग सेटिंग आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ स्नैप विंडोज़ का ऑप्शन आएगा। अगर आपके में मल्टीटास्किंग का फीचर नहीं आ रहा है तो आप इस स्नैप विंडोज़ को ऑन कर दीजिए, और अगर आप ये सेटिंग नहीं चाहते हैं अपने सिस्टम में तो यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।